गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू चैनल। किदा हो जी सारे? उम्मीद हो जी तुसी ठीक होवोगे जी। तो अज जी आप एक नवी अपनी ट्रिप शुरू कर लगे हैं जी। तो अज जान लगे आप जी सचखंड श्री हजूर साहब नदेड़। आप सारे रेडी हो गए? ठीक है जी, आर बी भी रेडी होगा, जगदीप भी रेडी हो गई। तो हुण अपने नाल थोड़ी होर संगत जा रही है, तो मनजीत वीर जा रहा, आप मिलांदे हाँ, तो उन्होंने भी रास्ते आप पिक करते हैं। तो हुण चलते हैं जी, आप रेडी हो गए श्री हजूर साहब। हाँ, ये पालो बिच। लो जी, हुण आपां पहुँच गए। तो जी करनाल पार कर लिया जी आपां, ते पहला नेरा सीगा इस करके वीडियो नहीं बनाई आपां, ते हुण करनाल आ गए। ते जी आ पिछे भाभी जी बैठे, ते मनजीत वीर बैठा जी। हाँ जी, ये बैठे वीर जी। ठीक है जी, ते हुण आपां इत्थे किते। हाँ जी, हुण आपां चाह वगैरा पीने उरे, ते फिर बाकी दूजी संगत नूं भी तुहानूं मिलांदे आ। हुण टाइम हो गया जी 7:37 हो चुके हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, करवाने जी ब्रेकफास्ट तुहानूं वधिया जगह। लो जी, हुण आपां पहला ब्रेक ले आए पानीपत, ते हुण रेस्टोरेंट ते आए जी। हुण कुछ खाण लगे ढाबे ते, ब्रेकफास्ट कर लिए, ते फिर ब्रेकफास्ट करके फिर चलदे आं अगे। बैठे है जी सारी संगत अपनी। चाह लिया दे यार, 8-10 कप ज्यादा ही लियाने पैने, बनना कुछ नहीं। तो जी हुण आपां उरे ते ब्रेकफास्ट कर लिया जी, ते हुण चलदे आ जी अपनी राइड ते, अगे वधदे आ जी। वीरे हुण कित्थे रुकना आपां? हुण कित्थे रुकना? सीधा आगरा। सीधा आगरा, चलो ठीक है जी, हुण सीधा आगरा रुकदे आ। ठीक है जी, मनजीत सिंह जी, वीर जी, हुण चलदे आ आपां। चलो चलो चलिए, चलो जी हुण अपनी अपनी गड्डियां च बैठो, हुण अपनी अपनी गड्डियां च बैठो ते चलिए आपां। आगरा जाके मिलूंगे। ठीक है जी, चलो बैठते हुण गड्डियां च। तुसी जदों आपां पानीपत तों सोनीपत तों आपां क्रॉस करके ना टोल जी, उस तो बाद सामने देखो ये बोर्ड लग्या हुआ हैगा, इत्थे लिखा हुआ अलीगढ़ जयपुर दिल्ली। आपां सीधा निकल गए, तो आपां इह एक्सप्रैस वे फड़ लेना हैगा जी। ये सामने बोर्ड लग्या हुआ हैगा जी, ये पुल नहीं चढ़ना, पुल तो पहला ही नीचे आपां उतर जाना। आपां कन्फ्यूज हो जांदे जदों आपां चंडीगढ़ तों आंदे आ। ये वाला रोड हैगा जी, तो नीचे आ जाना आपां। ये सीधा आगरा अलीगढ़ एक्सप्रैस हाईवे आ, ये वाला रोड है जी, ये पुल नहीं चढ़ना हैगा। तुसीं ए वाला रोड है जी सामने सीधा, वेलकम टू ईस्टर्न। किड़ा है पलवल, किड़ा लिखा हुआ सीगा? ए हैगा जी नोएडा आगरे वाला सीधा रोड, सीधा निकलेगा आगरे हुण जाके। ए हैगा जी एक्सप्रेस वे रोड, वधिया हैगा जी। बाकी अगे जाके देखते हैं किदां दा रोड मिलदा, स्टार्टिंग तां हले वधिया ला जी। हुण आपां पहुंच गए सीगे जी मथुरा तों, आपां हैगे आ 15-20 किलोमीटर थोड़ा पिछे हैगे आ। थोड़ा जिहा आपां ब्रेक लईती जी, एक कोल्ड ड्रिंक ब्रेक है ना, वाटर ब्रेक, सॉरी वाटर ब्रेक लती है जी आपां। बस इत्थों हुण आपां निकलदे आ, हुण आपां चलदे आ जी आगरा। आगरा किन्ना रह गया होना बाई? 60-65 किलोमीटर होना है ना, 60-65 किलोमीटर आगरा रह गया जी। तो हुण आगरा जाके रुकते हैं, तो ताजमहल घूमते हैं, जाके देखते हैं उन्होंने टिकट का क्या फंडा। उत्थे टिकट मेरे ख्याल उन्होंने ऑनलाइन की हुई सी, बाकी जाके देखते हैं, तो थानू भी बाकी ताजमहल जाके दिखाते हैं। हाँ बेटे, वॉशरूम ब्रेक है ना कि वाटर ब्रेक? हाँ जी, चलो वाटर तो वॉशरूम ब्रेक है जी, आर भी कहना वॉशरूम भी कराया मैं, तो वाटर तो वॉशरूम ब्रेक है। ठीक है जी, हुण चलते हैं आप मथुरा, आप क्रॉस कर लेंगे 15 किलोमीटर मेरे ख्याल, 15-20 किलोमीटर मथुरा रह गया इतों, तो फिर चलते हैं सीधा आगरा जी। हुण आपां पहुँच गए सीगे जी आगरा, ते इत्थे आगरा बिल्कुल मेन हाईवे ते हैगा जी गुरुद्वारा। भाई किहड़ा है गुरुद्वारा? गुरु की ताल। ते हुण आपां इत्थे मत्था टेक के फिर अगे चलदे आ जी। ये हैगा जी सामने गुरुद्वारा गुरु की ताल। तो
लो जी हुण आपां पहुंच गए हैं जी आगरे ताजमहल नूं पार्किंग च गड्डी लगाती सी ते हुण लंदे आपां टिकट जाके ते तुहानूं दसदे आं फिर टिकट किन्ने दी आई ते बस यही आ टिकट दसदे तुहानूं किन्ने दी आई ते बाकी अगे जाके तुहानूं क्यों ताजमहल हाँ फिर अगे जाके तुहानूं एक्सप्लोर करदे आं जाके अंदर आपां गर्मी बहुत है जी 42 डिग्री टैंपरेचर होया वा आर भी सैड आ जा बेटा इधर आ जा 42 डिग्री टैंपरेचर है जो तुम इतने पार्किंग च गड्डी लगाते तो वो क्या कहते बैटरी वाले रिक्शे है वो भी मतलब पर पार्किंग तो नेड़े है कोई ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल 300-400 मीटर है सारा आगरा ताजमहल तुम आराम नाल पैदल तुर के जा सकते बाकी रिक्शा लेना तो रिक्शा भी ले सकते हाँ ये सामने हैगा जी ये बैटरी वाले रिक्शे है सामने तो आप पैदल ही जा रहे सारे चलो बाकी अंदर थोड़ा नज़ारे दिखाते जाके आप हूँ बाकी मैनू कैमरे करके उन्होंने थोड़ा जहा ट्राईपोर्ड करके अंदर कैमरा ले जाने नहीं दिता इन्होंने कहते जी ये बाहर रख के आओ तो इन्हों का लॉकर रूम जोड़ा सेफ नहीं सगा उ लॉक नहीं लगता सगा इस वजह से मैं कैमरा अंदर लेके नहीं गया तो फिर अंदर फोन के ना थोड़ी शूटिंग कर लेंगे वो जगदीप करके ले आएगी फोन अंदर ताजमहल की थोड़ी जी जो भी ब्लॉग है थोड़ा बना के वो मैं फिर ये लिंक कर दांगा जी। गेट पे फतेहपुर बेगम के नाम से, सेकंड नंबर गेट पे सनंदली बेगम के नाम से। तीसरी बीवी जो थी मुमताज थी, उनका रियल नाम था जुमन बानो, उनसे 14 बच्चे थे, उनके बनाए ताजमहल लव मैरिज के लिए। ईरान से जो कारीगर आए ताजमहल बनाने के लिए, तो उनके लिए रूम्स वगैरह नहीं थे, तो पहले उन्होंने ये रहने का साधन किया, 210 कमरे बनाए, 210 कमरों में 20,000 लेबर रहती थी, तब ये ताजमहल का काम स्टार्ट किया। ये जो गेट है इसकी हाइट 105 फीट की, गेट को बदले वो आयतें लिखी है कुरान की, ये सारा पत्थर जो कटिंग करके चिपकाया गया है, गेट को बदले को फूल पत्ती बनी है ग्रीन और रेड की, ये सारे जेम्स स्टोन है, 16 अलग अलग कंट्री से लाया जाता है। गाइस सामने देखो है ताजमहल जो तुम देखते पे हो, ये सा गाइड है जो सू इन्फॉर्मेशन दे रहा है सारी। जमुना नदी बह रही है, ये वाला ताजमहल जो बना था ना इसमें 4 करोड़ का खर्चा आ रहा। ये गुम्बद पे नहीं, ये ताजमहल। अच्छा इसके ऊपर आया था खर्चा, व्हाइट ताजमहल जो बना है मुगल टाइम में 4 करोड़ लगा। वो तो क्या ठीक है, मैं कहा गुम्बद की बात कर रहा हूं। ताजमहल और बनाना चाहता था शाहजहां, काला ताजमहल वो देखो, रेड गुम्बद जो बना है इसका फाउंडेशन डाल दिया था तो इसमें लग रहे थे 35 करोड़ रुपए। तो औरंगजेब जो बेटा था शाहजहां का, वो ये नहीं चाहता था दूसरा ताजमहल बने और फालतू खर्चा हो, तो बेटे ने बाप को कैद करके डाल दिया आगरा किले में फालतू खर्चे की वजह से। अगर औरंगजेब शाहजहां को कैद नहीं करता ना तो एक ब्लैक ताजमहल और बन जाता है इसके पीछे। 1658 में कैद किया और सन 1667 में शाहजहां का डेथ हो गया, 8 साल तक बंद करके रखा सेंट्रल जेल में। जो ताजमहल जो बनाया था देर रात काम करते थे, हाथ वगैरह नहीं कटवाए, काम करते करते उंगलियां गल गई थी तो लोगों ने कहानी बना दी कि हाथ कटवा दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, आज चले चलो, यहाँ पे टिकट मिलता है मैडम ऊपर जाने का। ठीक है, ऊपर जाने का। हाँ ऊपर जाने का, जिसके जिस किसी को हाँ इसके ऊपर कवर देखने के लिए किसी को जाना है तो टिकट ले सकता है यहाँ से। ओके, सारे प्रश्न पढ़ते हैं, एक तो टिकट मिलती है। नीचे ऊपर नहीं जाना ना, हाँ तो आ जाओ, ऊपर कुछ नहीं है खाली कवर बनी है, आ जाओ। ये यहाँ पे पेठा मिलता है जी, आगरे का मशहूर पेठा, ये पेठा मुरली, श्री मुरली मंडली। ये भैया कौन कौन सा पेठा क्या क्या है? ये एक सैंडविच पेठा है भैया। ये कौन सा? ये सैंडविच पेठा है, ये पान पेठा है, ये चॉकलेट पेठा है, चॉकलेट पेठा है, ये असंतो मैंगो है, ये स्वीट पाइनएप्पल है। अच्छा, जो सिंपल पेठा आता है एकदम ट्रेडिशनल वाला है, ये वाला एकदम ट्रेडिशनल है। ओके, टेस्ट करने के लिए है थोड़ा थोड़ा, कोई बढ़िया आपका यहाँ से कोई बढ़िया पेठा जो भी होता है आपको? चलो ठीक है, ये भैया हाँ जी हूँ टेस्ट कराऊंगे अपन पेठा, तो आप टेस्ट करके देखते हैं। किस नाम तो जी अपना? अपना श्री मुरली पेठा स्टोर के नाम से। ये जी इन्हों का श्री मुरली पेठा स्टोर हैगा, ये कड़ा गेट है अपना ताजमहल का गेट है ना, वेस्ट गेट, ईस्ट गेट, ईस्ट गेट तो है जी शॉप है ना, ईस्ट गेट हाँ जी, वीआईपी गेट है, वीआईपी गेट ठीक है। ओके,
तो ये फर्स्ट वाला है स्वीट पाइनएप्पल फ्लेवर। ओके भैया, ओपन। ये कितने दिन तक रह सकता भैया? आप इसको 10 दिन रख सकते हो फ्रिज के बाहर। फ्रिज के बाहर 10 दिन रख सकते हैं जी। ये सेकंड वाला है अल्फोंसो मैंगो विद सैफ्रन, जो महाराष्ट्र से उतना ही आता है। कौन सा? अच्छा सैंडविच पेठा। सैंडविच ये अल्फोंसो मैंगो है। अल्फोंसो मैंगो पेठा है जी ये। और आप यहाँ से पेठा ही लेकर जाओगे 100%, लौकी लेकर नहीं जाओगे। जैसे कि बाहर के लोग सेल करते हैं सस्ता रखने के लिए, लोग अपने पेठा लेते हैं, वो सब नहीं है। क्वालिटी तो आपकी बढ़िया होती है। हाँ जी सर, ये टेस्ट करना है। प्लेन पेठा है कोकोनट विद कार्डमम, तो सिर्फ पेठे का टेस्ट लेना चाहता है, वही टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये देखिए सर, ये चॉकलेट पेठा है, कैडबरी चॉकलेट नहीं है, पेठे के लिए बनाई जाती है स्पेशली। तो ये चॉकलेट आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, जैसे कि नॉर्मली चॉकलेट होती है। ना ऐसा नहीं है जैसे कि बाहर क्या है। ये पेठे बहुत टेस्टी है भैया ने जितने भी मेरे को टेस्ट कराए ना अभी तक, बहुत सोने बहुत टेस्टी पेठे है जी। और ये अपनी स्पेशलिटी है भैया, सैंडविच पेठा। इस पेठे में 3 फ्लेवर रहेंगे सर, ऑरेंज जूस, कोकोनट, मावा। तो ये पेठा आपको शॉप के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो जेड़े भैया ने पेठे टेस्ट कराए, बड़े स्वाद पेठे है जी। और ये नमकीन वाला भी है। ये नमकीन वाला? हाँ। नमकीन वाला पेठा भी आ गया जी। ये नमकीन है, पेठा और दाल मिट का कॉम्बिनेशन होता है। ओके। हाँ। तो ये देसी घी का नमकीन है भाई, रिफाइंड वाला आपको हर जगह मिल जाएगा सर। ओके ओके ओके। और ये उधर ट्रेडिशनल वाला सर, जो नॉर्मली सदाबहार है, जो शुरू से जहाँ से बनना पेठा स्टार्ट हुआ है। क्या क्या रेट है भैया, रेट भी बता दो आप। मैं 250 का एक बॉक्स है, कोई भी लेते हैं केवल इसको छोड़कर। ये 300 का है, ये हमारी स्पेशलिटी है सर। ओके 250 जी भैया। आधा किलो की पैकिंग इसके अंदर 700 ग्राम वेट रहेगा सर। 700 ग्राम की पैकिंग है जी, 250 रुपये की तुम ले सकते हैं। बढ़िया जी, इतने आ सकते हैं। फिर आप दसते हैं की नाम तेरा? श्री मुरली पेठा स्टोर, ईस्टर्न गेट। हाँ जी, ताजमहल आगरा। ठीक है जी, तुम आके इतने पेठा ले सकते हैं, तो आप भी हूँ पेठा लेंगे भैया। हाँ जी, हूँ आप आगरे तो घूम के जी सारा देख लिया सी आगरा, तो हूँ आप जा रहे हैं जी ग्वालियर, ग्वालियर बंदी छोड़ गुरुद्वारा साहब उत्थे जा रहे हैं जी। तो रस्ते हूँ आप टी ब्रेक एक लेंगे, क्यों टाइम हो चुका जी 6:30 हो गए जी। बाकी इतों 100-110 किलोमीटर हैगा जी ग्वालियर, तो सानू 2 घंटे लगे जाने हैं। तो पहले आप रस्ते चाह पी लीए कि सारे का हूँ चाह का टाइम हो गया जी। चाह का टाइम तो वैसे 4 बजे से, पर उस टाइम असं ताजमहल देख रहे थे, इस वजह चाह उ वधिया मिली नहीं सी। हूँ आप चाह इतने कितने ढाबे से रुक के पीने नाले। हाँ जी, लैची वाली चाह पीते हैं नाले, गड्डिया च तेल पवा लीए तो नाले आप चाह पी लीए। ओके जी। हाँ जी, गुड़ वाली चाह पीनी है, तो आरवी कहता जी गुड़ वाली चाह पीनी है, तो गुड़ वाली चाह पिलाते आरवी को। हूँ आ गए जी आप राजपुर ढाबे से, तो इतने पीते हैं चाह, चाह पी के फिर अगला सफर करते हैं ग्वालियर का कंटिन्यू। ठीक है भाई, चाह पियोगे? क्या पियोगे नाल? चाह पीऊंगा भाई, तो मैं तो चाह पीऊंगे। कैम जी चाह पीते हैं, तो कहते कर लैची पवा गया गुड़ वाली। गुड़ वाली पता नहीं मिलनी कि नहीं मिलनी। मिठा रोक, मिठा रोक। ठीक है, वो मठियाँ खाते पहले तो आप देती ले आया मठी। नहीं नहीं, वधिया भाई अद्धी बात चाह ना लूंगा। मठी स्वाद है। ये बैठी है जी सारी संगत अपनी, हम चाह पी के फिर इतों चाले पावे जी। ठीक है जी, हम चाह पीने फिर मिलने जाके रात। चलो जी, चाह सारे ने कॉफी तो पी ली सी, तो हूँ अगे चलते हम ग्वालियर जाना। ग्वालियर साहब, ग्वालियर साहब बंदी छोड़ दीप गुरद्वारा साहब जाना जी। बंदी छोड़ तो हूँ चलते हैं जी, उत्थे टाइम हो चुके जी 7 बज चुके जी शाम के, 2 घंटे तो सानू 2 घंटे होर लग जाने जी। तो हूँ अगे नेरा ही हैगा जी वीडियो बनाने का, तो कोई क्लीयर गोप्रो जानी नहीं। चलो जो भी अगर शॉट लेने हो तो मैं ले लूँगा, बाकी फिर गुरद्वारा साहब जाके थोड़ा दर्शन कराने गुरद्वारा साहब के।